ओह, ये समय है अपनी ड्रेसेस को बाहर निकालने का। क्या पहनूं? क्या पहनूं? ये नहीं, ज्यादा गर्म है। एक स्वेटर, ये भी सही नहीं। ओह, और मैं तो भूल ही गई थी, मेरे पास ये पिछली गर्मियों के शॉर्ट्स पड़े हैं, बहुत ही प्यारे हैं। हाँ, मुझे मिल ही गए। वाह, ये तो अच्छे से फिट हो गए। रुको यार, ये तो पीछे से काफी टाइट है। जितना मैंने सोचा था ये उससे भी ज्यादा छोटे हैं। इसे ट्राई करो। शॉर्ट्स के पीछे की तरफ उसके किनारों पर थोड़े ग्लू लगाएं। अपने मनपसंद कपड़े से कुछ स्क्रैप काटें, लेस बढ़िया रहेगा, और ग्लू पर अच्छे से दबाएं। हाँ, उसे आगे की तरफ भी इसी तरह से लगाएं, ग्लू लगाएं, फिर दबाएं। तुम जो भी DIY या क्राफ्ट चाहते हो कि हम बनाएं, उसे नीचे कमेंट्स में लिखो और हमें लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं। किसे पता था कि एक पुरानी शॉर्ट्स का जोड़ा इतना प्यारा दिख सकता है। मुबारक हो, तुमने अपने आप को शर्मिंदा होने से बचा लिया। आ, कैसा लगता है जब आप अपने दोपहर वही सब देखने में बिताते हैं जो आप पहले 100 बार देख चुके हैं। हे, तुम्हें याद है हमने कहीं नहीं जाना था। जल्दी करो हेली, अपना समय बचाएं, अपनी बड़ी सी टी शर्ट को एक नया रूप दें, अपनी बाजुओं को गले से निकालें और अपनी कमर तक ले जाएं। अब इन बाहर निकली बाजुओं को अंदर करें। वैसे तुम्हें ये प्यारी पॉकेट्स कैसी लगी? सच में सबसे आसान आउटफिट चेंजओवर है ना? चलो चलें। बहुत ही अच्छी नींद के बाद आपके बाल बहुत ज्यादा अड़े हुए हैं। वैसे ये सुंदर है। आउच! हे विकी, उस एलो प्लांट के बारे में क्या ख्याल है? एक एलो लीफ ले, उसे रखें और एक चाकू से उसके बीच से लेंथवाइज काटें। उंगलियां बचाकर एक चम्मच से जेल बाहर निकाल लें। ओह, इसकी तरफ तो देखो। एलो जेल को अपने हाथ से लें। चलो आगे बढ़ो और इसे फूड प्रोसेसर में डालो। एक चम्मच नारियल का तेल इस मिक्सर में डालें। अब वक्त है इसे मिलाने का। इस मिक्सर को बाउल में डालें। अपनी उंगलियों से इसे उठाएं और अपने बालों पर लगाएं। और इसे अपने बालों की जड़ों पर और थोड़ा थोड़ा नीचे लगाएं। नीचे जाते हुए हर स्ट्रैंड पर लगाएं। और अपने बालों को बांध लें। चलो इस ट्रीटमेंट को काम करने देते हैं। अब इसे 30 मिनट तक लगाएं। क्या ये हो गया है? ये है समय। एक शावर लें और बालों को धो लें। अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं, तो हमारी वीडियोस को लाइक जरूर करें। जैसे आप अपने बालों को सुखाते हैं, वैसे सुखाएं। ओह, ये तो बहुत सॉफ्ट है। ओह, ये इतने सुंदर बालों वाली कौन सी लड़की है? यहाँ पर कोई अड़कन नहीं।
बहुत सी लड़कियों के लिए तैयार होना एक बहुत बड़ी चीज है। हेयर स्प्रे मत भूल जाना। परफेक्ट। हाँ, लगता है मेटल से काफी निशान छूट जाते हैं। ये दाग कितने ढीठ हैं। नहीं, मैंने बस अभी ही बाथरूम साफ किया था। नहीं, ये कहीं नहीं जाने वाला। अब मैं क्या करूं? ओह हे बेला, बस मैं अपनी नेल पॉलिश रखने आई हूँ। मैं इस रस्ट को कैसे हटा सकती हूँ? ये नेल पॉलिश काम आएगी? चलो ट्राई करके देखते हैं। थोड़ा रबिंग अल्कोहल लें और उसे कॉटन स्वैप पर डाल लें। अब कैन से इससे रस्ट हटाएं। जब ये हो जाए तो एक क्लियर नेल पॉलिश लें और कैन के नीचे के हिस्से पर ये लगाएं। बहुत सारी पॉलिश इस्तेमाल करें। अब जब भी आप बाथरूम में कैन रखेंगे तो ये गंदे गंदे दाग नहीं छोड़ेगा। आखिरकार अब आप बिना किसी परेशानी के अपने बाल बना सकते हैं। देखते हैं आज मैं क्या पहनने वाली हूँ। हाँ, ये शर्ट बढ़िया है। ये ऑरेंज कलर सबका ध्यान मेरी तरफ लाएगा। और अब शूज की बारी। ये काफी टफ है। मैं स्नीकर्स पहनूंगी। ओह, ये तो काफी गंदा है। हाँ, ये इतने गंदे हो गए, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मेरे फेवरेट शूज खराब हो गए, है ना? लेकिन मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। ओह, ये टूथब्रश और टूथपेस्ट ले लेते हैं। क्या आपके पास भी ऐसे गंदे शूज पड़े हैं? एक टूथपेस्ट का ट्यूब लें और शूज के गंदे वाले हिस्से पर काफी सारा लगा दें। हाँ, अब एक टूथब्रश के इस्तेमाल से टूथपेस्ट को अच्छे से शू में स्क्रब करें। ब्रश वही लें जो आप इस्तेमाल न करते हो, एकदम अच्छे से। जब ये हो जाए अब वेट वाइप या गीले कपड़े से इसे बिल्कुल साफ कर लें। वाह, ये एकदम नए जैसे लग रहे हैं। तो चलो अब चलते हैं एकदम स्टाइल के साथ। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खा लेना चाहिए। पोशन्स को इंतजार करना होगा, मुझे तो खाना चाहिए। यहाँ क्या चल रहा है? अजीब है और डरावना भी, और मैं इन्हें नहीं खा सकती। ओह, इस संडे पर कोई चेहरा नहीं है, ये चलेगा। ठीक है, तो अब मैं संडे का क्या करूँ? शायद मैजिक रेसिपीज बुक में कुछ है। ओह, यहाँ फ्राइड एग्स के लिए रेसिपी है। रुको, तीन अंडे, पर मेरे पास तो एक ही है। मेरे पास थोड़ी मिट्टी है। हाँ, तो यही काम आएगा। तो अंडा इसमें जाएगा। मैं थोड़ा पानी डाल देती हूँ। अब इंतजार करके देखते हैं ये उगता है या नहीं। बस ये ज्यादा समय ना ले क्योंकि मुझे भूख लगी है। हालांकि ये मैजिकल प्लांट है तो शायद ये जल्दी ही उग जाए। ओह देखो, ये उग गया। थोड़ा जादू करते हैं। काफी टेस्टी लग रहा है। गमी एग्स, स्वादिष्ट। ये स्नैक इतनी मेहनत का फल है। ओ, ये एलो प्लांट कितना प्यारा है। मैं इसका ग्रोथ रेट देखती हूँ। ये थोड़ा सा ही बड़ा है, तो मैं इसमें और क्या कर सकती हूँ? थोड़ा म्यूजिक सुनोगे? प्लांट्स को ये बहुत पसंद होता है। मैं तुम्हें कुछ पढ़कर भी सुनाती हूँ। थोड़ा और पानी। रुको, ये क्या है? ये तो कम हो गया। हे भगवान, क्या हुआ है? मेरा प्लांट उग नहीं रहा। ओ अच्छा, ये तो काफी मुश्किल चीज है। मुझे पता है एलो प्लांट फ्रेंड होना कितना बढ़िया लगता है। वाह, आपका एलो प्लांट इतना बड़ा कैसे है? आप मेरे वाले को भी उगाने में मदद करेंगी? बिल्कुल। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वापस आ गई और ये रहा तुम्हारा प्लांट। अरे वाह, आपने इसे इतनी जल्दी कैसे उगा दिया? मैं तुम्हें अपना सीक्रेट बताती हूँ। एक बनाना से शुरू करो, इसके बीच में एक छेद बनाओ और तुम एलो को इसके बीच में लगा सकती हो। अब ये अगले स्टेप के लिए तैयार है।
अब इसे मिट्टी में डाल दो। बनाना का नाइट्रोजन प्लांट में जाएगा और इससे तुम्हारा आलू प्लांट जल्दी उगेगा। वाह, कितना शानदार प्लांट है खैर। अब मेरा प्लांट बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी मदद के लिए शुक्रिया। बिल्कुल, मैं मदद करके बहुत खुश हूँ। प्लांट फ्रेंड होना कितना अच्छा है। और फिर उसने मेरी बात नहीं मानी। बुरा हुआ, कोई बात नहीं, आराम करो। ओह स्नैक्स, मुझे इन्हीं से बेहतर लगेगा। जब तक मॉम नहीं देख रही मैं एक ले लेती हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत मीठी है। मॉम चलो भी, मुझे भूख लगी है। मैंने मना किया ना, तो मानो। तुम तो काबू ही नहीं आ रही। अगर भूख लगी है तो कुछ हेल्दी खा लो। ओट मील सच में? हे भगवान, मैं लेट हो जाऊंगी। मेकअप ठीक है? हाँ चलो, मैं बाद में मिलती हूँ। बाय। ओह मॉम, आपका मेकअप। एक सेकेंड, इससे मुझे एक आइडिया आया। मैं पैलेट से सारा मेकअप निकाल दूंगी और अब मैं इसमें गमी बियर्स डाल दूंगी। परफेक्ट, हर जगह के लिए एक एक। और अब हेयर ड्रायर, ये मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। ओह हो गए। बढ़िया, कितने सही लग रहे हैं। ओह वो आ गए। मैं एक कैंडी बार खाती हूँ। हे भगवान, मैंने तुम्हें क्या कहा था? खैर, मुझे इतनी भूख लगी है, मैं ये मेकअप खा लूंगी। बहुत अच्छा है। आपको ये कैसा लगा? ओह नहीं मॉम, ओह मैं सैंडविच खाने का इंतजार नहीं कर सकती। हाँ मुझे यही तो चाहिए था। मुझे कुछ खाना है। वो ये सैंडविच कितना स्वाद लग रहा है। हाँ मुझे यही चाहिए। हे, तुम्हारा सैंडविच अच्छा है, मैं भी थोड़ा ले सकती हूँ। माफ करना, ये मैं ही खाऊंगी। ठीक है, मजे करो। शायद यहाँ कुछ हो। एओ, कितना गंदा है। यहाँ मेरे लिए कुछ भी नहीं है। हे, ये शायद काम करे। एक खाली एक्सेल। हाँ हाँ, मैं इसे ट्राई करूंगी। यहाँ जाएगा। हाँ तो चलो, देखो इस अंडे से कुछ आने वाला है। क्या, तुम क्या बात कर रही हो? हे भगवान, हे भगवान। वाह, वो इतनी जल्दी भागी। मैं ये सैंडविच ले जाती हूँ। ये क्या हफ्ता था। हमें आज रात पिज्जा खाना चाहिए और एकदम बड़ा वाला। इसके ऊपर मेल्टेड चीज तो देखो। मैं इंतजार नहीं कर सकती, चलो खाए। इन्होंने इसे अच्छे से नहीं काटा। गाह, मुझे एक स्लाइस चाहिए। बहुत बकवास है, मेरे पास एक आइडिया है। मैं अब इसे ऐसे ही खा जाऊंगी। चीजें अपने हाथों में लेने का समय आ गया है। हे, ब्लेड नहीं कर पाएगा। ये तो बिल्कुल भी तेज नहीं है। तो फिर खींचना ही होगा। मेरा पिज्जा। ओ यार, मैं इसके ऊपर केबल नहीं डालना चाहती थी। ये बहुत गंदा है, पर थोड़ा क्रंच तो बाकी है। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। एक सेकंड रुको। क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ? चूना का एक कैन ली और ढक्कन हटा दी। अब एक इलेक्ट्रिक ड्रिल से बीच में एक छेद करें। एक मेटल रूलर ले, इसके होल के साथ रखे और एक मेटल स्क्रू से इसे सिक्योर कर दें। अपने हाथों से इसे घुमाएं।
जब तक ये अच्छे से टाइट ना हो जाए। एक नट ले और इसे स्क्रू पर लगाए। बढ़िया, अब आगे क्या करें? आपने अपने लिए एक पिज्जा कटर बना लिया। अब अच्छे से स्लाइसिंग होगी। जो वो खुद करते हैं उससे भी बेहतर। जल्दी ये ठंडा हो रहा है। खुशबू बहुत अच्छी है। इंतजार करने से फायदा हुआ। हाँ बिल्कुल, स्लाइसिंग जीनियसेस ने ये कर दिखाया। कुकिंग करते हुए खो जाना बहुत आम बात है। ओह हाँ, मैं बेक कर रही हूँ। पर ध्यान भटक जाना बहुत खतरनाक हो सकता है, खासकर जब आप मिक्सिंग कर रही हो। ये बहुत तेज है। जब तक ये मिक्स हो रहा है मैं इंस्टा चेक कर लेती हूँ। वो एंजल्स भी खोल लीजिए, सबके सब बचाओ अपने आप को। तुम्हें बोल पर ध्यान देना चाहिए था। ओ सीधा चेहरे पर। पर सिर्फ चेहरे पर ही केक का बैटर लगना लिजी के लिए अभी छोटी बात है। ओह बुरा हुआ। हे लिजी, मैं घर आ गई। तुम बिल्कुल सरप्राइज के टाइम पर आई हो। हाँ, तुम्हारी और तुम्हारे केक की कोई लड़ाई हुई थी? ये सब कैसे हो सकता है? जाओ नहा कर आओ, ठीक है? मैंने उसे एक छोटा सा काम दिया था। मैं तो भूल ही गई, पर आज यही काम आने वाले हैं। पेपर प्लेट से हम ऐसी चीजें होने से बचा सकते हैं। एक प्लेट से दो टी शेप क्रॉसेस बनाएं, इसे अच्छे से पियर्स कर दें। अब मिक्सर्स ले और उन्हें इन स्लॉट्स में लगा दें। जब ये अपनी जगह पर लॉक हो जाए इन्हें मिक्सर में लगाएं। और इसी तरह आप स्प्लैश जोन से बच चुके हैं। कितना बढ़िया है ना? हे भगवान, तुमने कर दिया। ये एकदम परफेक्ट लग रहा है। अब से तुम ही बेकिंग क्यों नहीं कर लेती? हाँ, इनका स्वाद भी इनके खुशबू जितना अच्छा है। डूक, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं ये सब साफ नहीं करना चाहता। चलो काम करते हैं और इसे पूरा करते हैं। मिस्टर क्लीन बचाने के लिए आ रहा है। गंदी खिड़कियाँ अब और नहीं। गंदी शर्ट चली गई। धूल केविन के लिए कुछ भी नहीं। और ये इस तरह होता है। बस एक आखिरी चीज। ये अच्छा नहीं। मैं ये भी करूंगा। चलो देखते हैं। नहीं ये नहीं। बिंगो, ये यहाँ क्या कर रहा है? ये बहुत बड़ी बाल्टी है केविन। ये सिंक में फिट भी नहीं हुई। ये पानी काफी नहीं है। शायद ये डस्टपैन काम करे। अब हम थोड़ा ज्यादा अच्छे से सोच पा रहे हैं। इस चीज से पानी बड़ी बाल्टी में आराम से जाएगा। ये आ गया। हाँ, हाँ। अगर सफाई में इतना मजा है तो मैं ये रोज करने वाला हूँ। मुझे लगता है तुम्हें वो करना चाहिए ओलिविया। मुझे जाना होगा, वक्त है मेरे चेरी पाई मास्टरपीस को टेस्ट करने का। इसकी खुशबू जन्नत है। केविन, मेरे पास तुम्हारे साथ बांटने के लिए पूरा पाई है, पर इस चीज को देखो। हाँ। नहीं, मुझे ये होने से नफरत है। क्या? चलो भी, ये काम नहीं कर रहा। काश मेरे पास अभी पिज्जा कटर होता। बस आ ही गया। चलो भी।
मुझे नहीं पता था मैं इतनी ताकतवर हूँ। पर ये तो छिपा हुआ आशीर्वाद है। लगता है मैं कुछ करने वाला हूँ। इस तरह की कैंची ले और इसके एक ब्लेड के ऊपर हॉट ग्लू लगाएं। अब इसके ऊपर टूटा हुआ ट्रायंगल पीस लगाएं। जब तक ये सूखे इसे वहीं रखें। अब ये देखना, इस बार कोई भी टॉपिंग नहीं उड़ रही। हमने कर दिखाया बहनों और भाइयों, मुझे तुमसे प्यार है पिज्जा के स्लाइस। तुम भी ट्राई करना चाहोगी?